नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। डालते हैं एक नजर आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। विकास दुबे के स्वजन के पक्ष में आए भाजपा एमएलसी उमेश द्विवेदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के परिवार के सदस्यों को लेकर एमएलसी ने आरोप लगाया कि पुलिस इनसे लगातार पैसों की वसूली में लगी है। पैसे न देने की स्थिति में परिवार के लोगों को बेवजह प्रताड़ित कर रही है। रेलवे के निजीकरण के आरोप पर बोले पीयूष गोयल, सड़कों पर केवल सरकारी वाहन चलते हैं क्या? संसद में आज निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के मसले को उठाया जा सकता है। बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। बीते दिन पक्ष और विपक्ष में बनी राजनीतिक सहमति के अनुरूप पेट्रोल डीजल और किसानों के मुद्दे पर संसद में चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर उठी फिर आवाजें। इस वजह से लोगों ने की एनसीबी की तारीफ। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बार फिर से अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। अभिनेता की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल निकलने के बाद रिया चक्रवर्ती पर कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के विरोध में किया प्रदर्शन। तेल पदार्थों व रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने के विरोध में किसान संघर्ष कमेटी ने प्रधान सतनाम सिंह पन्नू के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया गया। गोरखपुर में दूसरे प्रदेशों से आ रहा कोरोना, प्रशासन ने आने वालों का विवरण मांगा। दिल्ली एवं मुंबई से प्रतिदिन आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर प्रभावी तरीके से जांच नहीं हो रही है। प्रतिदिन यात्रियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर मिल जाने के बाद उसे संबंधित तहसीलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आश्वस्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी। केंद्रीय बजट में आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 अन्य बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बैंक कर्मियों की 2 दिन की हड़ताल के बीच वित्त मंत्री ने यह कहा है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए बनेगा नया नेशनल बैंक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट के दौरान हमने उल्लेख किया था कि हम फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, महाराष्ट्र गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश के इन शहरों में भी होगा नाइट कर्फ्यू। तेजी से बढ़ रहे मामलों की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से रोजाना औसतन 600 से 700 मामले सामने आ रहे हैं। UAE के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मोहम्मद नवेद और शैमान अनवर के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगले 8 साल तक इन दोनों बल्लेबाजों पर यह पाबंदी लगाई गई है। इन दोनों को मैच फिक्स करने के आरोप में जनवरी में सस्पेंड किया गया था। अनेक के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग के लिए दिल्ली आए आयुष्मान खुराना, अनुभव सिन्हा के लिए लिखा खास कैप्शन। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की आगामी फिल्म अनेक को लेकर सोशल मीडिया पर हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ रहे हैं। अब उन्होंने फिल्म के शिलांग शेड्यूल को खत्म करने के बाद मंगलवार को आखिरी शेड्यूल की शूटिंग के लिए दिल्ली की ओर रुख किया है। अब फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।